और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए उनके द्वारा दी गई शहादत पर जो शहीद हुए उनका नमन करते हुए देश के लिए जो उन्होंने सर्वोच्च निछावर किया है उसके प्रति नमन करते हुए राज्य सरकार की ओर से उन्होंने कहा है कि शहीद की पत्नी और उनके माता पिता जो भी है सबको कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। शहीद के परिवार को उनके एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और स्मारक का नामांकन शहीद की पत्नी और उनके माता पिता जो भी है सबको कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। शहीद के परिवार को उनके एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और स्मारक का नामांकन भी जो है उनके नाम से किया जाएगा जिससे हम उनको याद कर सकें। जनपद गाजीपुर के सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए अश्विनी कुमार यादव जी हंडवारा में, उनके परिवार को आज जो है नमन किया। वहाँ के अधिकारी खुद मौके पर गए और उनको भी जो योजना है राज्य सरकार की उस योजना के अनुरूप धनराशि और उनको परिवार को यथा समय नौकरी और फिर उस गांव में एक सड़क उनके नाम से करने पर निर्देश दिए गए हैं। पुनः जम्मू कश्मीर के हंडवारा के आतंकवादियों की मुठभेड़ में जो सीआरपीएफ के हमारे जवान श्री अश्विनी कुमार यादव शहीद हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है, एक स्पेशल की अपील जो है शिक्षा विभाग ने दाखिल की थी उसमें 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो आज दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसका स्वागत किया है। इस प्रकार 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये भी एक मील का पत्थर होगा जब एक बार में 69,000 टीचर्स की भर्ती एक साथ हो जाएगी। ये आगे आने वाले समय में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस भर्ती के बारे में डिटेल्स आपको अलग से प्रेस के रूप में जारी कर दिया जाएगा। रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वर्किंग ग्रुप की बैठक में टीम लेवल की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार की संभावनाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर को जो औद्योगिक विकास विभाग का एक रीढ़ है उसको और मजबूत करने की और हर संभव सहायता देने की आवश्यकता है। एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जहां रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती है, छोटे यूनिट्स में कम इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है, जगह जगह रोजगार मिलता है। उसके लिए जो है उन्होंने निर्देश दिया है कि इसमें रोजगार मिले, उद्योगों को एमएसएमई सेक्टर के विशेष रूप से उद्योगों को और चालू किया जा सके, लेकिन सावधानी पूरी बरतते हुए और सतर्कता बरतते हुए ये जो है निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने आज राजस्व से जुड़े प्रकरणों में भी वृद्धि लाने के लिए जो है निर्देश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक भी संभव है जो है राजस्व की वृद्धि के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं राज्य सरकार के अलग अलग सेक्टर्स पे उन राजस्व की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित तमाम ऐसे अन्य कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाए, यानी जो सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं उसमें कहीं भी जो है कमी ना रहे और प्रोत्साहित करके लोगों को सबको जो है यथा जहाँ भी जरूरत हो ग्लव्स और मास्क जरूर दिलाए जाए।
नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में जो डॉक्टर्स हैं उनके रूप विशेष रूप से बचाव के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अस्पतालों में मेडिकल इन्फेक्शन से बचा जा सके इसका प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित किया है, इस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पीपीई किट्स, N95 मास्क और जो सैनिटाइजर है पर्याप्त मात्रा में जो है अस्पतालों में उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की आज पुनः समीक्षा की, इसको और अधिक बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। एक नई व्यवस्था ई हॉस्पिटल तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को संचालित करने के बारे में उन्होंने दिया है। ई हॉस्पिटल का जो है, जो हम कहते हैं ई लर्निंग, वैसे ई हॉस्पिटल का भी निर्देश उन्होंने दिया है। जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसको और कैसे मजबूत किया जा सके, आज पूरी समीक्षा उस पर आधारित रही है और लोगों को जागरूक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर उन्होंने निर्देश दिया है। आपने कल देखा होगा कि आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु कोविड ऐप जो है, आयुष विभाग ने जो आयुष कवच जो है ऐप जो है, आयुष कवच कोविड के नाम से जो है नया ऐप आयुष विभाग ने कल जारी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया है। इस ऐप का लोग अधिक से अधिक डाउनलोड करें और जो आयुष के जो माध्यम से जो विभिन्न चीजें जो है जिनका इस्तेमाल करके अपनी अपनी क्षमता को मजबूत हम कर सकते हैं, अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं, उसको जो है लोग जान लें। ये जो ऐप है लॉन्च करने के पहले ही इसमें काफ़ी कई हजार लोग जो है इसके इन्होंने डाउनलोड किया है आयुष कवच। मैं चाहूँगा कि इस ऐप को आप आयुष कवच अगर टाइप करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है प्ले स्टोर्स पर, दोनों एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी ये मिलेगा। इस ऐप से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी। आयुर्वेद और योग के को अपनाकर बीमारी से बचाव की जो है इसमें उपाय दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज भी है और अलग अलग जो चीज़ें जो है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो क्रियाएं की जा सकती हैं, इसके बारे में आयुष कवच ऐप में दिया हुआ है। ये आरोग्य सेतु के साथ भी जो है लिंक किया जाएगा जिससे कि इसको एक साथ जो है डाउनलोड किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 8 तारीख से न्यायालय परिसर में न्यायालय का कार्य भी जो है एक निर्धारित SOP के तहत, जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है उसके तहत न्यायालय का कार्य भी निश्चित होगा, जिसमें सीमित मात्रा में जो है अधिवक्ता गण न्यायालय परिसर के कमरे के अंदर रहेंगे, जो निर्धारित माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है जिला न्यायालयों के लिए भी और उच्च न्यायालय के लिए भी, उसको भी जो है उस कार्य प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से संपादित करने के लिए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था और जो वहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इंफ्रारेड थर्मामीटर रहें, थर्मल स्कैनर रहें और सैनिटाइजर रहें और इस और भी जो है उन्होंने निर्देश दिया है। स्टेशनरी की दुकान विशेष रूप से खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। कॉपी, पेंसिल और किताबों की दुकानों का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि दुकान खोलने का निर्देश सामान्य रूप से नई 3 तारीख की जो गाइडलाइंस स्टेट की जारी है उसमें खोलने का, स्टैंडअलोन दुकानों को खोलने का निर्देश है। विशेष रूप से आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है उनमें स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, स्टेशनरी की दुकान जो है, किताब, कॉपी, पेंसिल और बुक स्टोर्स जो हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने संबंधित जिलों को, जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों को दिया है ऑरेंज और ग्रीन जोन में। इसके अलावा मंडियों के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन सघन रूप से करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन को और मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। विशेष स्वच्छता अभियान अब चलाने का नगर विकास विभाग का, ग्राम विकास विभाग का और पंचायती राज विभाग का निर्देश उन्होंने दिया है। श्रमिकों को, प्रवासी कामगारों को दुग्ध समितियों से जोड़ने का कार्य निरंतर अब शुरू हो गया है,
इसको भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज ही जो है आज की जो स्थिति ट्रेन्स के आवागमन की है, क्योंकि कई संख्या में काफी संख्या में हमारे श्रमिक और कामगार भाई अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो लगभग 19 ट्रेनें अभी तक जो है आ चुकी हैं। और ये ट्रेनें जो हैं आगरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, बरेली, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज, इस तरह के स्टेशन पे आ रही हैं। और आज ही जो है 9 ट्रेनें और आने की संभावना है, और लगभग अब तक 38 ट्रेनों की हमने अन्य अन्य प्रदेशों की सहमति दे दी है। अड़तीस ट्रेनों की अनुमति दे दी है नई फ्रेश, और 19 आ चुकी है, 9 जो है आने वाली है आज, तो 18, 19 + 9 + 38, तो अब कम से कम 67 ट्रेनों का जो है अभी तक जो है कार्रवाई हम लोग के स्तर पर हो गई है। गुजरात राज्य से कई ट्रेनें हमारे पास आ चुकी हैं, 13 ट्रेनें गुजरात राज्य से आ चुकी हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास महाराष्ट्र राज्य से भी जो है 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र राज्य से हमारी 7 ट्रेनें और आ रही हैं, कर्नाटक राज्य की पहली ट्रेन जो है बेंगलोर से हमारी आज चल चुकी है, और ये भी जो है हमारे यहाँ आज लखनऊ जो है पहुंचेगी 2 दिन बाद। पंजाब से हमारी 4 ट्रेनें चल चुकी हैं, 2 जो है करीब के पहुंचने वाली हैं पंजाब से, ये जलंधर से, लुधियाना से चल रही हैं, और आगे आने वाले समय में मोहाली से, पटियाला से भी जो है ट्रेनें चालू की जा रही हैं। कुल मिलाकर 9 ट्रेन पंजाब से लाने की अनुमति दी गई है। केरल से भी श्रमिक ट्रेन चलाने का अनुमति अब हमारी तरफ से जा चुकी है, जैसे ही वहां से ट्रेन चालू होंगी तो हम आपको बता देंगे। हरियाणा राज्य से और जो श्रमिक रह गए हैं लगभग 30,000, उनको रोडवेज की बसों से लाने का सहमति हरियाणा और हमारे प्रदेश की हो गई है। एक दिन के अंदर संभवतः उस कार्य को भी हम शुरू कर देंगे। आज की तारीख में लगभग 10,000 लोगों का एक्सचेंज राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से राजस्थान, रोडवेज की बसें, उनकी रोडवेज की बसें और हमारी रोडवेज की बसों से हो रहा है। ट्रेनों से जो है अब तक 19 ट्रेन हमारी आ चुकी है, 19 ट्रेन हमारे यहाँ ट्रेनें आ रही हैं, हमारा राज्य ट्रेन रिसीव कर रहा है। कितने लोग आ चुके हैं ये मानकर चलिए कि एक ट्रेन में लगभग 1200 लोग करीब आते हैं, तो अगर 19 या 20 ट्रेन अगर आ गई हैं तो लगभग जो है काफी संख्या में लोग इससे आ गए हैं। उड़ीसा से भी जो है हम लोग बातचीत शुरू हो गई है, बिहार से भी हमारी बातचीत हो रही है लोगों को एक्सचेंज करने, झारखंड हमारी बातचीत हो गई है, छत्तीसगढ़ बातचीत हो गई है, तेलंगाना से हमारी 2 ट्रेन जो है चालू हो गई है। तेलंगाना से जो है हैदराबाद से जो है एक ट्रेन चली है लिंगमपल्ली से, और एक ट्रेन हमारी चरलापल्ली से चल रही है, एक ट्रेन गोरखपुर आएगी और एक ट्रेन बाराबंकी आएगी, तो काफी मात्रा में ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में अब आ रही हैं और आगे इनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जो ट्रेन आ रही हैं बहुत सुरक्षित रूप से जो है लोगों को उतार के उनका मेडिकल परीक्षण कराकर और फिर उनको भोजन कराकर उनको बसों से उनके निश्चित गंतव्य स्थल यानी उनके अपने गृह जनपद भेजा जा रहा है, गृह जनपद से फिर उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है। तो एक प्रक्रिया पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ ट्रेन की आती चली जा रही है, और ये प्रक्रिया भी हमारा प्रदेश बड़ा भी है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज कैबिनेट में गृह विभाग की निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली जो लागू होनी थी वो भी आज नियमावली का अप्रूवल हो गया है, यानी सार्वजनिक संपत्ति का कहीं से भी अगर जो है नुकसान होता है तो उसकी नियमावली जो है आज लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने ले लिया है। इसका प्रेस नोट आपके लिए अलग से आएगा माननीय जी। इस नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। माननीय मंत्री जी ने आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय जो कैबिनेट के थे उन पर जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो नया एक्ट में संशोधन पारित हुआ है उस विवरण के साथ और स्वास्थ्य विभाग के विवरण के साथ माननीय हमारे प्रमुख सचिव साहब जो है उस पर अभी इनपुट देंगे। एक बिंदु मैं जरूर बताना चाहूंगा
कि कोविड के बारे में, कोविड के बारे में सूचना विभाग के फेसबुक पेज पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के जो पेज है, facebook.com का जो पेज है, उस पर उत्तर प्रदेश कोविड केयर के नाम से अगर आप जो है ऑनलाइन जाएंगे तो आपके उसके चैट बॉक्स में जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए जो भी कोविड संबंधित सूचनाएं हैं वो आपको फेसबुक के चैट बॉक्स पर मिल जाएंगी। तो ये काम जो है, आप हमारे चैट बॉक्स पर चले जाएंगे, इसका भी विवरण आपको हमारे सूचना विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोविड से संबंधित जुड़ी हुई सभी सूचनाएं जो हैं हमारे फेसबुक साइट पर चैट बॉक्स पर पेज लिंक पर मिल जाएंगी। कृपया इसको जरूर प्रचारित करें जिससे लोग इसकी जानकारी कर सकें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, धन्यवाद। प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस के जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनका नंबर है 1831। अभी तक जो पूरी तरह लोग उपचारित हो चुके हैं संक्रमण से उनकी संख्या 1080 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। जो सैंपल्स कल लैबोरेटरी में भेजे गए, आप जानते हैं कि इस समय अब 20 प्रयोगशालाएं प्रदेश में जो वायरस के सैंपल्स की जांच कर रही हैं, तो कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3871, और जो प्रयोगशालाओं में कल जो जांच की गई उनकी संख्या 4469। जो पीछे का बैकलॉग है उसको हम लगातार क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए, हम सैम्पलिंग बहुत कर रहे थे तो थोड़ा बैकलॉग हो गया था। अब वो जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है वो बैकलॉग हमारा निरंतर क्लियर हो रहा है। अब तक हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर के 1,05,501 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। कल आपको मैंने बताया था कि कल हम लोगों ने 1,00,000 का आंकड़ा पार किया था, 1,05,501। कल भी पूल टेस्टिंग की गई प्रदेश की प्रयोगशालाओं में, 259 पूल लगाए गए जिनमें से 19 पूल पॉजिटिव आए और 240 निगेटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1,247 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। इस समय कुल 1,997 पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिटेड हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड हो या फिर हमारे जो चिकित्सालय हैं उनके आइसोलेशन वार्ड्स हो। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 11,003 लोग इस समय हैं, और जो हमारे रिकवरी की परसेंटेज है वो निरंतर बढ़ रही है। नेशनल जो परसेंटेज है रिकवरी का वो 28.71 है, जबकि इस समय उत्तर प्रदेश की रिकवरी का परसेंटेज 36.37 हो चुका है। हमारी रिकवरी निरंतर बढ़ रही है, पेशेंट ठीक होकर के घर जा रहे हैं। आज एक कैबिनेट ने एक इम्पॉर्टेंट अध्यादेश का प्रारूप उन्होंने पारित किया है माननीय मंत्रिपरिषद ने, जो द उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 कहलाएगा, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। एपिडेमिक्स एक्ट 1897 जो केंद्र सरकार का है उसमें हाल में संशोधन किया गया था, और जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनके लिए अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या उन पर हमला करता है तो उसके लिए उसमें बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। किंतु जो राज्य सरकार ने अपना एक अधिनियम बनाया उसमें ये महसूस किया गया कि जो और लोग भी इस काम में लगे होते हैं, जैसे हमारे सैनिटाइजेशन के वक्त में जो लगे होते हैं, या जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे होते हैं क्वारंटाइन करवाने में, टेस्टिंग करवाने के लिए या ट्रैकिंग ट्रेसिंग में, जब उन पर भी कोई हमला करता है या कोई किसी प्रकार का
दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए भी प्रावधान लाया जाए। उसी के क्रम में ये कानून लाया गया है। अब जो लोग भी कोरोना के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों या उससे जुड़े हुए अन्य लोग हों, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या किसी प्रकार का उन पर हमला करना, ये सब दंडनीय अपराध हो गया है और इसकी अलग अलग धाराओं में उसकी व्यवस्था की गई है। अगर कोई इंटेंशनली, अगर कोई जानते बूझते हुए कि मैं इस संक्रामक रोग से पीड़ित हूँ या ऐसे लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ जो संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस है, अगर उसमें वो जानबूझकर ट्रैवल करता है, उसके बावजूद भी जानते हुए कि मैं संक्रमित हो सकता हूँ, उसको भी दंडित करने की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों में संक्रमण न फैले। इसी प्रकार से अगर कोई किसी प्रकार का लोगों को आवेश में लाने की कोशिश करता है, इसके बारे में इंसाइट करने की कोशिश करता है, तो उसको भी दंडित किया जा सकता है। अगर कोई अपने डिजीज को छुपाने की कोशिश करता है और वो सामने नहीं आता है, अपना परीक्षण नहीं करवाता है, अपना इलाज नहीं करवाता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उनको भी खोज करके उनको भी ये दंडित किया जा सकता है। पूरा आशय यह है कि लोगों को, जो पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी से लोगों को बचाया जाए। इस कानून का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि लोग जो हैं स्वयं निकलकर सामने आए, ये संक्रामक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, और सरकार ने इसके जांच के लिए और इसके इलाज के लिए निशुल्क व्यवस्था की है। तो जिसको भी ऐसे लक्षण लगे, आपको हमने पहले बताया है, हमारा हेल्पलाइन है 1800-180-5145, उस पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निजी जो निकटतम जो अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां जाकर के अपनी जांच कराई जा सकती है। अगर संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे, संक्रमित कोई व्यक्ति होता है, तो सरकार उसकी निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करवाएगी। तो इसलिए इससे, इस बीमारी से घबराना नहीं है, सावधान रहना है, और अपने आप को, हमको अगर हमको लक्षण लगे तो हमको सामने आकर के अपना इलाज करवाना है। इसमें, इस कार्य में जो लोग बाधा डालेंगे और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके लिए, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है, ताकि जो बाकी के लोग हैं जो संक्रमित नहीं हैं, अगर उनको कोई संक्रमण फैलाने की कोशिश करता है या उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके लिए आज ये नया अध्यादेश लाया गया है, जो माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज पारित किया गया है। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा कि इस बीमारी से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरत कर इसमें 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 जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो ये जो इसको करेंगे, जैसे सेक्शन 17 में ये कहता है, ये अध्यादेश की जो सेक्शन 17 है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई क्वारंटीन को या आइसोलेशन को या ट्रीटमेंट को, उसके जो भी इसके चीज़ों को वायलेट करता है, तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा और जो अधिकतम 3 साल हो सकती है वो उसको सजा दी जा सकती है, और साथ में 10,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का उसमें फाइन भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें अगर कोई, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, अगर उन पर कोई अटैक करता है, कोई उन पर हमला करता है, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मी हों, चाहे पुलिस के कर्मी हों, चाहे स्वच्छता वाले कर्मी हों, अगर उन पर कोई हमला करता है या उनके काम में बाधा डालता है, तो इसमें कम से कम 3 माह की सजा होगी, जो बढ़कर के 5 साल तक हो सकती है, और जो इसमें मॉनेटरी फाइन है वो कम से कम 50,000 रुपये होगा, जो बढ़कर के 2,00,000 तक हो सकता है। और अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है इन लोगों को, अगर कोई घातक उन पर हमला करता है, उनको कोई बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जो आईपीसी की धारा 320 में परिभाषित की गई है ग्रीवियस हर्ट को, जिसमें कि कोई आंख में बहुत चोट लग जाए या हाथ वैसा हो जाए, तो उसके लिए जो सज़ा है वो कम से कम 6 महीने या वो बढ़कर के 7 साल तक हो सकती है। और जो इसमें आर्थिक दंड लगेगा, जो जो मॉनेटरी फाइन लगेगा, वो कम से कम 1,00,000 रुपए
और जो बढ़कर के 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें जो कोई किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करे उसकी व्यवस्था भी है। अगर कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो उस पर भी वसूली की जा सकती है। उसकी वसूली करके जो भी लोग हों उनसे तय किया जा सकता है कि किससे कितना वसूल करना है, वो वसूली की जा सकती है। इसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए 2 समितियां बनाई गई हैं, एम्पावर्ड कमिटीज हैं। एक स्टेट लेवल अथॉरिटी है जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चेयर किया जाएगा, वो उसके अध्यक्ष होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसके उपाध्यक्ष होंगे और मुख्य सचिव महोदय उसके सदस्य सचिव होंगे। और जनपद स्तर पर एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और मुख्य विकास अधिकारी उसके सदस्य संयोजक होंगे। एक जो अगर मान लीजिए कि इसमें जो सबसे सर्वाधिक जो दंड की व्यवस्था की गई है, अगर किसी के द्वारा संक्रामक रोग को फैला करके और इंटेंशनली अगर किसी की मृत्यु कारित की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति को उसने संक्रमित कर दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसमें जो पनिशमेंट है, जो उसमें कारावास हो सकता है, ये कम से कम 7 वर्ष होगा। और जो बढ़कर के उम्र कैद तक हो सकता है, 7 साल से उम्र कैद तक हो सकता है। अगर किसी की मृत्यु होती है, उसको जानबूझ करके कोई संक्रमित कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम 7 साल की कठोर सजा और जो बढ़ करके उम्र कैद तक हो सकती है। और इसमें जो इसमें मॉनेटरी फाइन है वो भी कम से कम 3 लाख रुपए लगेगा, जो बढ़ करके 5 साल तक 5 लाख रुपए तक हो सकता है। जो व्यक्ति जानबूझ करके अगर पूरे समुदाय में इसको फैलाता है, संक्रमण को 5 या उससे अधिक लोगों को संक्रमित करता है, उसको कम से कम 3 साल या जो बढ़कर के 10 साल तक की सजा हो सकती है वो उसको सजा दी जाएगी। और इसमें भी जो आर्थिक दंड है वो 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके जितने भी इसमें ये हैं अपराध हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल बनाए गए हैं, तो ये एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। और ये इसलिए बनाया गया है कि लोक स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, और जानते बूझते हुए इसमें हर जगह इस बात का इस्तेमाल किया गया है कि इंटेंशनली, अगर किसी का इंटेंशन नहीं है तो वैसे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन कोई अगर इंटेंशनली अगर लोगों को संक्रमित करता है, उस संक्रमण कारण से किसी की मृत्यु कारित करता है, तो उसको बहुत ही कठोर सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में जो लोग संक्रमित हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो दूसरों को संक्रमित करते हैं जानते बूझते हुए, तो उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई का कानून अब राज्य सरकार लेकर के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। तो आप यहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, जहां पर अपर मुख्य गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि जो लोग जो शहीद हो गए हैं, जो जवान शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई और वहीं पर उनके 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और बता दें आपको, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो 69,000 शिक्षार्थियों की भर्ती की जाएगी, इसके लिए कोर्ट ने राजी दे दी है। और आपको अपने आंकड़े की बात करूं तो आंकड़े अब जो फिलहाल है तो प्रदेश में वो 2,969 है, जिसमें से 1,831 जो है वो एक्टिव केस हैं, 1,080 ठीक हो चुके हैं और 58 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें एक अध्यादेश लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो या सफाई कर्मी हो या फिर डिलीवरी बॉय क्यों ना हो, यानी जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है तो उसके लिए सख्त कानून बना दिए गए हैं। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।